गाड़ी तो यार टाटा की गाड़ी अगर किसी गाड़ी में भर के लगेगी ना तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखो दूसरी गाड़ी है अपनी i20, देख सकते हो कितना ज्यादा नुकसान हुआ। टाटा मोटर्स की गाड़ियां अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं और रियल लाइफ एक्सीडेंट में भी ये बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी लाइफ और डेथ का डिफरेंस तय कर सकती है। ये बात पहले भी हम कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं और आज वापस एक ऐसा ही वीडियो सामने है जहां बिल्ड क्वालिटी का फर्क साफ देखा जा सकता है। तो ये एक्सीडेंट मिस्टर हर्ष भाटी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था और उनसे आगे बात करने के बाद हम चैनल पर इसे कार की बिल्ड क्वालिटी दिखाने के लिए शेयर कर रहे हैं। हर्ष का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जहां वो कार रिलेटेड रिव्यू पोस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उनका चैनल जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं इस एक्सीडेंट की। ये एक्सीडेंट कैची धाम के आसपास अल्मोड़ा नैनीताल हल्द्वानी रोड के पास हुआ है और इस रोड पर पर्सनली मैं खुद कई बार ट्रैवल कर चुका हूं एज अल्मोड़ा मेरा होम टाउन है और इस पर्टिकुलर पैच पर सड़क थोड़ी चौड़ी और बेहतर है और अक्सर यहां लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं पहाड़ों की लिमिट से ऊपर और शायद इसी वजह से यहां इन दो कार्स यानी i20 और टाटा नेक्सॉन का हेड ऑन कोलिजन हो गया। अब इस एक्सीडेंट में गलती किसकी रही ये नहीं पता पर आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों में किस तरह की डैमेजेस हुई है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से i20 यहां बस 20 दिन ही पुरानी थी। i20 में सभी पैसेंजर्स को हैवी इंजरीज आई हैं और ड्राइवर ICU में है। दूसरी तरफ नेक्सॉन के हाल काफी हद तक ठीक हैं, स्पेशली यहां केबिन इंटैक्ट रहा जिस वजह से मेजर इंजरीज लोगों को नहीं आई। अब ओनर ने Hyundai i20 की जगह अगर एक 4 या 5 स्टार रेटेड कार ली होती तो शायद गाड़ी के ये हाल ना होते और पैसेंजर को भी ज्यादा इंजरीज नहीं आती। यहां गलती अगर Hyundai i20 की ना रही हो तो ऐसे एक्सीडेंट में ही कार की बिल्ड क्वालिटी काम आती है और इसीलिए आपको एक सेफ कार लेने के लिए कहा जाता है जिसका सबूत ये लाइव वीडियो भी है। तो कार में सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, साथ ही किसी भी कार को एक लिमिटेड स्पीड में ड्राइव करना भी, स्पेशली पहाड़ों पर स्पीड थोड़ी कम रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपके ऑब्जर्वेशन इस एक्सीडेंट के बारे में जरूर बताइएगा और काफी लोग ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट को फेक कहते हैं तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इस एक्सीडेंट को देखने के बाद आप क्या मानते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।